नमस्कार। दूसरे चरण का घमासान लगातार जारी है। मैं आपके साथ नलिनी पांडे और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूपी की 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अब तक 44.03% मतदान हो चुका है। वोट परसेंटेज आपको सबसे पहले बता रखे हैं, मेरठ में 47.6% मतदान हुआ है। अगर अमरोहा की बात करें तो 52% वोट यहाँ पर अब तक अमरोहा में पड़े हैं। बुलंदशहर की बात करें तो 44.45%, तो गौतम बुद्ध नगर में 44.01% मतदान हुआ है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और बड़े चेहरे कौन कौन से हैं देखिए, अगर मथुरा की बात की जाए, मथुरा सीट बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। मेरठ सीट की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण गोविल पर दाब लगाया गया है। मेरठ सीट भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। तो अब तक का वोट परसेंटेज न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, 8 सीटों पर मतदान जारी है। और अगर मेरठ की बात करें, 47.6% मतदान, अमरोहा में 52% मतदान हुआ है, बुलंदशहर में 44.45%, तो गौतम बुद्ध नगर में 44% मतदान अब तक हो चुका है। और अभी भी जो वोटर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दिन ढल चुका है और धीरे धीरे करके धूप भी ढल रही है, और ऐसे में जो तमाम वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है और इन सबके बीच अलीगढ़ में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, मेरठ में कितना, वो भी आपको बता रहा हूं। और तो कुछ नया मुद्दा है नहीं यहाँ पे। सर मोदी जी ने कई बार मंच की तारीफ की है, मंच की तारीफ करते रहते हैं, तो क्या बात, क्या लगता है कि इस बार वो वोट किधर कर दिया सर? देखिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ दो वर्ड बोलते हैं, वो मैं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जहाँ तक वोट की बात है, ये आपका अधिकार है, आप किसी को बताने के हकदार नहीं है कि आपको पूछने के हकदार नहीं है किसको वोट दिया। अमरोहा का ढंग का बजता है, मोहम्मद शमी के नाम का ही बज रहा है, इंशाल्लाह बजता रहेगा। मोहम्मद शमी।